तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BMS लेक्चर में। तो आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, MCQs को देखेंगे। ये MCQs हैं 2022 के पदार्थ विज्ञान के पेपर के। तो हम MCQs स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सत बहुलो, तो इसका सही इसका आंसर है ए आकाश, ठीक है। दूसरा है अप्रतिघात गुण है, ऑब्वियसली बी आकाश का, ठीक है। सी वायु में किस गुण की अधिकता होती है, तो इसमें होती है कि कहते रज की, पित्तमतम की और सत वो कफ में सत्व की, ठीक है। वायव्य दिशा से तात्पर्य है, तो जब आपने ये दिशा के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें उत्तर पश्चिम को वायव्य दिशा कहा गया, और वैसे टोटल 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। अब इसमें ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के कहते लोकाय दर्शन किसका पर्याय है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चार्वाक दर्शन, ठीक है। इसमें तो पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 वैशेषिक गुण नहीं है, तो आपने बताया वैशेषिक गुण कौन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो स्थूल नहीं है, स्थूल गुरुवादी गुण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है लेखन कर्म किस गुण का है, तो ये इसका आंसर है खर का जो मेन काम वो लेखन का ही। अब क्वेश्चन नंबर 8 अप्रकट भाव लक्षण है समवाय का, 8th का ए समवाय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में आयु का पर्याय नहीं है, जीवन नित्यक चेतनावृत्ति और ऑप्शन डी चेतन, चेतन मतलब आत्मति, बाकी सबका मतलब आयु होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 स्याद्वाद किस दर्शन का सिद्धांत है, तो ये जैन दर्शन का सिद्धांत, जिस अंतश्चेतन द्रव्य में फूल और फल दोनों प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी वानस्पत्य जैसे अमरूद जामफल, इनमें क्या कहते हैं पहले फूल आते हैं फिर फल भी आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 न्याय दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 24, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 अभ्यास किन गुणों के अंतर्गत आता है, तो ये अपराधी गुणों के अंतर्गत, टोटल 7 अपराधी गुण होते हैं, उनमें से एक अभ्यास भी है, ठीक है। और क्या कहते हैं निम्न क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कारण द्रव्य है, तो खादी मना आत्मा, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, इसका श्लोक है खादी मना आत्मा मना कालो आत्मा दिशश्च, और ये कहते हैं ये सारे मिला के 9 द्रव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 स्निग्ध और उष्ण द्रव्य के प्रयोग वात का शमन में से निम्न किसका, तो इसका ये देखो स्निग्ध और उष्ण दोनों गुण हैं, और ये क्या कहते हैं वात के अपोजिट है, वात के जब अपन तत्व रूक्ष लघु सी तो खरो अनिला, ठीक है। तो ये करके उसके जो गुण हैं उसमें से क्या कहते हैं स्निग्ध और उष्ण उसके अपोजिट गुण है, तो ये गुण विशेष है, यानी जो अपोजिट को विशेष बोलते हैं और गुण में अपोजिट है इसलिए गुण विशेष है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में क्या प्रवृत्ति बहस्तु किसका लक्षण है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सामान्य विशेष दोनों का ही वो है। क्वेश्चन नंबर 17 कारण द्रव्यों की संख्या कितनी है, इसका आंसर ऑप्शन डी 9, ये जो बताए गए खादिन आत्मा इसमें 5 होते हैं, एक आत्मा आत्मा मना काल और देश, ठीक है, मना काल दिशा मिला। क्वेश्चन नंबर 18 अत्यंत भाव इनमें से किसका भेद है, इसका आंसर ऑप्शन ए संसर्ग भाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सड़ पदार्थों का वर्णन किस दर्शनकार ने दिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैशेषिक दर्शन ने, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यथ द्रव्य, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ आपके ये एमसीक्यू समाप्त होते हैं, आपको इनमें से किसी में भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हमारी जितना पॉसिबल हो सके हम आपकी उतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।